आप देख रहे हैं डिजियाना न्यूज, मैं दीपक रजक आपका स्वागत करता हूं। आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरों की तरफ। राधौगढ़ चुनाव के ठीक एक दिन पहले विजयपुर थाना अंतर्गत पालिका बाजार में गोली चलने से पूरा प्रशासन सकते में आ गया। आपको बता दें कि आज दोपहर चेकिंग के दौरान दो मोटरसाइकिल सवार लड़के जो संदिग्ध अवस्था में पकड़े गए क्योंकि उनकी गाड़ी पर नंबर प्लेट नहीं थी, जिसके बाद उक्त दोनों युवक वहां से भागने की कोशिश करने लगे, जिनमें से एक युवक ने देसी कट्टे से हवाई फायर कर दिया। इसके बाद वहां मौजूद लोगों ने उन दोनों युवकों को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। दोनों युवक निवासी कुमराज के बताए जाते हैं। वहीं बीजेपी और कांग्रेस के प्रतिनिधियों द्वारा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं कि दोनों प्रत्याशियों द्वारा भेजे गए हैं। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है और जल्द ही ये खुलासा हो जाएगा कि ये दोनों युवक आचार संहिता लगी होने के बावजूद भी हथियार लेकर कहां से कहां जा रहे थे। तो सही सही तो है, आज सिक्स विकेट लगे थे पालिका बाजार में एनएफएल गेट पे, तो वहाँ चेकिंग कर रहे थे पुलिस अधिकारी कर्मचारी, तो वहाँ से दो लोग मोटरसाइकिल से निकले थे, तो उनकी चेकिंग की, तो बिना नंबर की मोटरसाइकिल थी, तो मोटरसाइकिल छोड़ के भागे, तो एक लड़का भाग गया, फिर दूसरा पीछे से भागा, तो ये लोग, ये कृष्णकांत भार्गव और ये संजू भील, ये दो तीन लड़के वहाँ पे शीतला माता मंदिर के पीछे बैठे थे, तो उधर से ये लोग भागे, तो इन लोगों ने उसको पकड़ा, तो एक लड़के ने पिस्टल से फायर कर दिया, तो फायरिंग में एक कारतूस भी चलाया तो खाली फूंका, और पुलिस ने और पालिका बाजार की पब्लिक ने, इन लड़कों ने सबने घेर कर उन लोगों को पकड़ लिया है। दोनों लड़कों को पकड़ के पुलिस के हवाले कर दिया, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। रहने वाले कहां के बताएं? ये दोनों लड़के कुमराई थाना क्षेत्र के हैं, एक का नाम है श्याम, पिता विजय सिंह मीना कांदिया खेड़ी का, और दूसरा है ये गीता नगर कुमराज थाने का। बुजरिया तालाब संघर्ष समिति के द्वारा कई बार जिला कलेक्टर राजेश जैन को दिए गए ज्ञापनों के बाद भी आज तक कोई शासकीय अमला इनकी मदद करने के लिए नहीं पहुंचा। आपको बता दें कि बुजरिया तालाब के पास ही संचालित हो रही मीट मार्केट से आमजनों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसके चलते आए दिन वहां पर विवाद की स्थिति भी बनी रहती है। वहीं मास्क की दुर्गंध से लोगों को रहने में काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं हो, खुद कलेक्टर राजेश जैन ने इस मीट मार्केट को हटाने के लिए निर्देशित किया हुआ है, इसके बाद भी ये मार्केट जस की तस चल रहा है। वहीं आज बुजरिया तालाब संघर्ष समिति के सदस्यों ने कलेक्टर के सम्मुख ज्ञापन देने पहुंचे। समिति के सदस्यों का आरोप है कि कलेक्टर राजेश जैन ने उनकी बात को अनसुना कर दिया। लगभग 3 साल पहले बुजरिया तालाब क्षेत्र में अवैध मीट मार्केट रखवा दिया गया था, जो कि सार्वजनिक स्थान, रहवासी बस्ती और मंदिर क्षेत्र के समीप रख दिया गया। उसको हटाने के लिए वहाँ के स्थानीय लोग, हम सभी लोग आज जो ज्ञापन देने आए हैं, हम निरंतर प्रयासरत हैं। नगर पालिका, SDM, कलेक्टर साहब, हर व्यक्ति, जो प्रशासन, जो सक्षम व्यक्ति है, सभी को हमने ज्ञापन दिया और आज उस ज्ञापन की सारी जो प्राप्तियां हैं, जहां जहां हमने लगाया, माननीय SDM महोदय का जो आदेश है, अप्रैल 5वें महीने में आवेदन हुआ था वो भी हो गया, लगभग उसे 8-9 महीने हो चुके हैं उस आदेश को, उसका भी पालन नहीं हुआ। उसमें स्पष्ट उन्होंने कह दिया कि आप त्वरित हटाइए, तो उसके बाद भी आज भी नहीं हुआ। अभी क्या हुआ? हम 4-5 बार से लगातार जन सुनवाई में आ रहे हैं, कलेक्टर साहब के द्वारा बराबर हमें हर बार आश्वासन दे दिया जाता है, और आज फिर हम साहब, कलेक्टर साहब को हमने ज्ञापन दिया, उसको ज्ञापन लेने के बाद साहब ने स्पष्ट हमसे मना कर दिया कि देखते हैं हर बार एक ही चीज़ लेके आ जाते हो आप, हम बार बार, हमारे पास एक ही काम नहीं है। तो सर, ये इसका निराकरण करेगा कौन? आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास समय नहीं है, तो फिर ये करेगा कौन? हम लोग काम छोड़ छोड़ के आते हैं, वहाँ की परेशानी आपको दिखाई नहीं दे रही है। वहाँ के लोग, एक बार आपको, मीडिया के मित्रों को पता होगा कि वहाँ के स्थानीय लोगों ने एक बार रोड जाम भी किया था, जो कि किसी तरह समझा बुझा के हम ही लोगों ने शांत किया लोगों को। आज फिर वही स्थिति बन रही है, कलेक्टर साहब को भी इससे अवगत करा दिया, उन्होंने कहा है कि कुछ नहीं, हम लट चलाएंगे, लट पड़ेंगे, इस तरह की बातें उन्होंने साफ कही है। तो अब उनसे हम कुछ नहीं कह सकते, ना ही हमारे पास अब कोई ऑप्शन है। अब आपके सामने है जो बात है, कलेक्टर साहब हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं, सुनवाई नहीं कर रहे हैं। सिसोदिया कॉलोनी निवासी एक युवक से शादी कराने के नाम पर एक संस्था ने 7,000 रुपए की ठगी कर दी।
जिसके चलते युवक जनसुनवाई में अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए पहुंचा। आपको बता दें कि सिसोदिया कॉलोनी निवासी युवक नरेंद्र के साथ समाज जन कल्याण सेवा समिति भोपाल ने शादी कराने के नाम पर 7,000 रुपए की मांग की थी, जिसे युवक ने 10 नवंबर को जमा कर दिए, जिसके बाद युवक को दिसंबर में शादी कराने की बात कही गई। लेकिन जब बताई गई तिथि पर युवक की शादी नहीं हुई तो युवक ने फोन लगाकर जानकारी हासिल करना चाही, जिसके बाद वहां से यह कहकर टाल दिया गया कि लड़की के घर में कोई खत्म हो गया है। बार बार ऐसा ही टालने के बाद जब युवक ने संस्था के कार्यकर्ताओं से पैसा वापस करने की बात कही, उन्होंने पैसा वापस करने से मना कर दिया। वहीं युवक ने अपने साथ हुई ठगी की शिकायत दर्ज कराने जन सुनवाई में कलेक्टर राजेश जैन के समक्ष पहुंचा। मेरे पास मेरे साथ भोपाल में एक संस्था है, समायरा जन कल्याण सेवा समिति, अशोका गार्डन 80 फीट रोड, हिंदुस्तान हॉस्पिटल के पास में। उनसे मेरा संपर्क हुआ था शादी के बारे में। उन्होंने मेरे से 7,000 रुपये पैसे लिए और बोला आपकी शादी 11 दिसंबर को करा दी जाएगी। और बोला उन्होंने हमारे पास 3 तरह शादी कराए जाते हैं, कोर्ट मैरिज, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना और आर्य समाज। तो उन्होंने मेरे साथ ऐसा फर्जीवाड़ा करके और अब मेरी शादी नहीं करा रहे हैं और पैसे लेके तो वो कहीं कोई मर गया और लड़की के परिवार में कहीं तारीख पे तारीख देके और मुझसे बोल रहे हैं। और फिर बाद में मैंने फाइनल बोला कि आप मेरे पैसे वापस कर दो या नहीं शादी करा दो, तो बोले हम शादी नहीं करा रहे, आपको जो करना है कर लीजिए, पैसे वापस नहीं। भावांतर योजना के अंतर्गत किसानों को मिलने वाले पैसे की भरपाई अभी तक नहीं हो पाई है। परेशान एक किसान ने जन सुनवाई में कलेक्टर के समक्ष आवेदन दिया। किसान का आरोप है कि उसका अक्टूबर माह का पैसा जो कि 41,000 रुपए है अभी तक नहीं मिला है। बमोरी के रहने वाले किसान विपिन तोमर ने कलेक्टर के समक्ष गुहार लगाई कि जल्द से जल्द उसका पैसा दिलवाया जाए। 6 जनवरी को कलेक्टर साहब का प्रोग्राम था अपने रोटरी क्लब गुना में, उनके द्वारा किसानों को आश्वासन दिया गया था कि सभी किसानों का जिनका भी भुगतान बकाया रह गया उनका सभी लोगों का भुगतान किया जाएगा। लेकिन अभी दिनांक आज तक 16/1/2018 तक कोई भुगतान नहीं किया गया। मेरा 26/10/2017 का भुगतान है जो अभी तक मुझे प्राप्त नहीं हुआ। मेरे 41,240 रुपये के समथिंग है, ऐसा मंडी वालों ने बताया। बरसत गांव से डूबा गांव तक जाने वाली प्रधानमंत्री सड़क की जगह परिवर्तन हो जाने की शिकायत को लेकर ग्रामीण पहुंचे जन सुनवाई में। ग्रामीणों का आरोप है कि पंचायत ने गलत तरीके से प्रस्ताव पारित कर सरपंच सचिव ने उक्त रोड को बरखेड़ा से करवा दिया, जिसके चलते ग्रामीणों को भविष्य में खासी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि बच्चियों को स्कूल जाने में भी काफी तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। वहीं ग्रामीणों ने मांग की है कि उक्त सड़क को बरसत गांव से दोबारा बनाया जाए। हमारी प्रधानमंत्री सड़क बरसत से डोबा स्वीकृत हुई थी 3 किलोमीटर की, उसको पंचायत सरपंच और सचिव ने बदल करके बरखेड़ा से फाजिल डोबा कर दी गई है, जो कि वो 14 किलोमीटर बरसत जाने के लिए रास्ता बनवाया जा रहा है। जबकि हमारी हाई स्कूल हायर सेकेंडरी लड़कियां पढ़ने जाती है, वृद्ध पेंशन विधवा पेंशन बैंक शाखा है, वहाँ पोस्ट ऑफिस है, शासकीय हॉस्पिटल है, रविवार का बाजार लगता है, जो कि वो 3 किलोमीटर है बरसत से डोबा। जैसे नई 14 किलोमीटर घुमाकर रोड को डाली जा रही है, ये हमारी पंचायत ने प्रस्ताव फर्जी हमारे डोबा का दस्तावेज गलत बनाकर पंच सरपंच सचिवों ने इस रोड को बदल दिया गया है। इस पर हम श्रीमान जी बिल्कुल भी हाजिर नहीं है, क्यों हमारा ये बच्चियों का सबका भविष्य अंधकार में हो गया, वो हाई स्कूल हायर सेकेंडरी पढ़ने नहीं जा सकती है। उन्होंने कोई आश्वासन नहीं दिए, उन्हें जी एम साहब से बोला कि इसको देख लीजिए, तो हमने कहा जी एम साहब को हमने 3 बार लेटर दे चुके हैं, जी एम साहब ने मना कर दी गई है। हम ये चाहते हैं कि बरसात से ही डोबा रोड डाली जाए, अन्यथा रोड नहीं डालेगी। इससे पहले कभी शिकायत की? हमने मुख्यमंत्री जी के यहाँ सीएम हाउस 3 बार को वहाँ पर कर दिए, वहाँ का लेटर कलेक्टर महोदय जी को दे दिया गया है, रोड मल सांसद जी का लेटर।
पिपरौदा खुर्द से आए ग्रामीणों ने कलेक्टर से बुनियादी सुविधाओं के लिए लगाई गुहार। ग्रामीणों ने बताया कि उनके गांव में कोई भी बुनियादी सुविधा उपलब्ध नहीं है। दिव्यांगों के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का भी इससे गांव में ग्रामीणों को लाभ नहीं मिल पा रहा। वहीं ग्रामीणों ने गुहार लगाई कि उन्हें बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराई जाए। क्या समस्या है? के निवासी हैं, इनके पंचायत में नाम मात्र का भी विकास नहीं हुआ है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत इन गांव वालों का ही सब उपस्थित है, 40 से 50 लोग आए, कुछ विकलांग लोग भी हैं, दिव्यांग लोग भी हैं। इनके नाम पे सरकार अनेक योजनाएं चला रही है लेकिन उन्हें कोई लाभ नहीं मिला। इनके गाँव की सबसे बड़ी समस्या सड़कों की और नालियों की। इनके गाँव में एक भी पक्की सड़क नहीं है, एक भी पक्की नाली नहीं है और स्वच्छ भारत अभियान के तहत लेटरिंग नाम पे सिर्फ 2 या 3 लोगों के नाम पे लेटरिंग बनी है। बाकी जो गरीब आदमी है वो आज भी खुले में सोच कर रहा है, सुबह शाम खुले में सोच कर रहा है। मैं सिंधिया कॉलोनी निवासी के पूर्व ग्राम पंचायत का निवासी हूँ। हम सभी लोग दलित बस्ती से आते हैं। जब भी शासन प्रशासन को, विधायक को और यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि हैं उन सबको हमने आवेदन दिया। 5-6 सालों से हम लोग भटक रहे हैं। हमने परसों भी आप हमारे मोहल्ले में आवेदन वो आंदोलन किया था जिसमें कल मीडिया में ही हमारी खबर आई। हम लोग ये चाहते हैं कि आप सभी लोगों के सहयोग से हमारे क्षेत्र का विकास हो या हमारे संग और भी लोग हैं दलित। सकतपुर के तालाब में मिला युवक का शव। प्राप्त जानकारी के अनुसार एक युवक शौच के लिए तालाब पर गया था जिसका पैर फिसल जाने की वजह से वह तालाब में गिर गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मैं गया तो मुझे तो ढाबे डांट भी मिली। मैं और जी आशा सुबह बच्चा 8 बजे घर से निकला था सोच के लिए तालाब पे डेली जाता था घूमने, मतलब उधर उसके हाथ पैर थोड़े कमज़ोर थे क्योंकि 7-8 साल पहले बीमार हो गया था। तो वो घर पे कहता था कि मुझे घूमने फिरने से हाथ पैर थोड़े ठीक रहते हैं, इसलिए चला जाता था डेली। तो 8:30-9 बजे घर वालों को खबर लगी, एक बच्चे ने आके बताया कि आपका लड़का कुएं में फिसल गया, वो तालाब में फिसल गया। तो जब वहाँ सभी लोग पहुँचे करीब 9 बजे करीब, तो वहाँ उसका डंडा जो टेक के चलता था तो डंडा तालाब किनारे मिला। तो उस डंडे के आधार पे ऐसा अनुमान लगाया कि यही है। तो सब ग्रामीण एकत्रित हुए, ग्रामीणों की सहायता से उसके चाचा वगैरह उसमें तालाब में कूदे और उसकी डेड बॉडी बाहर निकाली गई। क्या नाम था उसको? सुनील लोधा उसका नाम था और उसके पिताजी का नाम राम रतन लोधा। उम्र? हारून के पनवाड़ी हाट ग्राम में हर्षोल्लास से मनाया गया आनंद उत्सव। इस उत्सव में ग्राम पनवाड़ी हाट, महुआ खेड़ा, कस्मावाड़ी व किशनपुरा आदि की टीमों ने क्रिकेट व कबड्डी मुकाबले में भाग लिया। यहां क्षेत्रवासियों ने कई रोमांचक मुकाबलों का आनंद भी लिया, साथ ही विजेताओं को यहां सम्मानित भी किया गया। तत्पश्चात पनवाड़ी हाट के कस्मावाड़ी क्षेत्र की भजन मंडलियों ने सुंदर भजनों की प्रस्तुतियों से सभी उपस्थित जनों का मन मोह लिया। वहीं इस कार्यक्रम में पधारे क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों ने कार्यक्रम की प्रशंसा करते हुए कहा कि इस प्रकार के सामाजिक कार्यक्रम होते रहना चाहिए। आरोन से हमारे सहयोगी चंद्रेश रघुवंशी की रिपोर्ट। हज यात्रा 2018 पर गुना जिले से जाने वाले हज यात्रियों के लिए हज कमेटी गुना के चेयरमैन ने सुनाई खुशखबरी। हज यात्रा 2018 के लिए आज भोपाल में कोरा खोला गया जिसमें गुना जिले से हज यात्रा पर जाने के लिए 47 लोगों को खुशनसीबी मिली है। गौरतलब है कि मोहम्मद आबिद खान जिले से हज यात्रियों के लिए संख्या बढ़ाने में काफी समय से संघर्षरत थे। आज हज 2018 के लिए मध्य प्रदेश हज कमेटी भोपाल में पूरा खोला गया। तो हमारे गुना जिले को गुना
के लिए 22 हाजियों का कोटा दिया गया था। इसके लिए हमने पहले भी प्रोटेस्ट किया था, इस बार भी हमने प्रोटेस्ट किया, तो इंशाल्लाह माशाल्लाह हमारे इस बार 47 हाजियों को मौका मिला है और इंशाल्लाह और भी अब कोशिश कर रहे हैं हम, और भी बढ़ सकता है, 2-4 लोगों का वेटिंग में नाम के लिए हम कोशिश कर रहे हैं और लगातार कोशिश करते रहें। डीजीएनए न्यूज़ में खबरों का सिलसिला आज बस इतना ही, कल नई खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।